वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल। तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आया हूँ। बचपन में मैं सोचता था कि यार मेरे काश मेरे घर के नीचे टायर हों, ताकि मेरा जहाँ मन करे अपना घर उठाया और लेके निकल गए। लेकिन जब मैं अमेरिका आया ना भाई, यार सच में होते हैं ऐसे घर, उनके नीचे आप टायर फिट कर सकते हो और जहाँ आप चाहो उनको वहाँ पर मूव कर सकते हो। तो आ जाओ, आज आपको दिखाता हूँ मोबाइल होम। अगर आप पड़ोसियों से तंग हो ना, तो भाई बेस्ट चीज है यार। तो मेरे पीछे का एरिया जितना भी आप देख रहे हो ना, ये सभी मोबाइल होम्स हैं और इस जगह को बोलते हैं मोबाइल होम पार्क। अमेरिका की पॉपुलेशन 332 मिलियन है, ये एक एवरेज बता रहा हूँ आपको मैं। उसमें से 22 मिलियन पीपल ऐसे घरों में रहते हैं। इन घरों को हम बोलते हैं यहाँ पे मोबाइल होम, कंटेनर हाउस, या फिर आप इनको एज अ ट्रेलर होम भी बोल सकते हो। और इन घरों की खासियत पता क्या है? सबसे पहली चीज़ अफोर्डेबिलिटी। जो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल होम होता है ना, उसकी कॉस्ट यहाँ पे आपको पड़ेगी $400,000 मिनिमम बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन वहीं आप मेरे जितने पीछे घर देख रहे हो ना, इनकी कॉस्ट भाई $60,000 में भी आ जाते हैं, मैक्सिमम $1,00,000 तगड़े से तगड़ा घर। अच्छा, तो इन मोबाइल होम पार्क में ना गरीब भी रहते हैं और अमीर भी रहते हैं। अब दोनों लोग कैसे यहाँ पे सेट हो पा रहे हैं, इसका रीज़न ये है, आप जितने भी घर यहाँ पे देख रहे हो ना, इसमें घर आपका है, लैंड आपका नहीं है। लैंड में आपको लीज पे लिया हुआ, आपने एक तरह का रेंट किया हुआ है। तो उससे हो क्या रहा है, आपकी जो कॉस्ट है वो एकदम घट जाती है, प्रॉपर्टी टैक्स आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये थोड़ा सा स्मार्ट है। तो ये ना एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट है, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि आपका घर अपना होगा, लैंड आपकी नहीं है। यहाँ पे आपको लैंड रेंट करनी पड़ती है, उस वजह से आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफ़ी अफोर्डेबल बन जाती है। दूसरा पॉइंट मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, ये जितने भी मोबाइल होम्स हैं ना, यहाँ पे ज़्यादातर मैं बोलता हूँ कि एवरेज लोग रहते हैं, गरीब लोग, और कुछ लोग स्मार्ट लोग हैं वो अच्छे अच्छे कम्युनिटी पार्क होते हैं उनमें जाके रहना शुरू कर देते हैं। होते हैं ऐसे ही कंटेनर है, लेकिन उसमें क्या आपको एमिनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, आपको स्विमिंग पूल, पार्क्स, मतलब हर एक फैसिलिटी आपको वहाँ पे एक देखने को मिल जाएगी, जैसा आपको एक नेबरहुड में देखने को मिलता है। तो भाई अब बात करते हैं कितना पैसा लगता है। अगर एक नॉर्मल घर की बात करूँ मैं आपको, अच्छा खासा ट्रेडिशनल जैसे हम लोग बिल्ड करते हैं, जिसमें लैंड भी आपका घर भी आपका, वो करीब करीब $400,000 से कम नहीं मिलेगा आपको अमेरिका में, अच्छा तगड़ा घर। वहीं इन घरों की बात करूं मैं, तो भाई ये $60,000 में भी आ जाते हैं, तगड़े से तगड़ा $1,00,000 में भी आ जाता है। लेकिन इन घरों की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। अगर हम अपने ट्रेडिशनल घर देखें, जो कि प्रॉपर जिसमें लैंड आपका घर आपका, उनकी वैल्यू बढ़ती है यार। तो ये एक डिफरेंस मेरे को ज़रूर देख। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बिल्ड घर, जो कि ट्रेडिशनल घर होता है, जिसमें लैंड भी आपका घर भी आपका, वो कम से कम भी $107 पर स्क्वायर फीट है अमेरिका में। और वहीं अगर मैं इन मोबाइल होम की बात करूं, तो भाई आधी कॉस्ट में पड़ जाते हैं ये, इनकी कॉस्ट पड़ेगी आपको $50 पर स्क्वायर फीट, उसमें आपको लैंड नहीं मिलता है, तभी जो आपकी कॉस्ट है वो गिर जाती है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार लोग ऐसे घरों में रहना क्यों चाहते हैं। इसके ना दो रीज़न हैं। एक, जो अमीर लोग हैं ना, वो बचाते हैं टैक्स, वो नहीं चाहते कि मैं अपना लैंड अपना घर लेके प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो पे करूं। तो वो लोग क्या करते हैं, स्मार्ट खेलते हैं। ऐसे ही कई मोबाइल होम पार्क आपको मिल जाएंगे अमेरिका में, वो लोग आते हैं, अपना घर पहले से खरीद लिया, तगड़े तगड़ा $1,00,000 का पड़ता है घर ले लिया, और लैंड लीज पे ले ली। तो इट्स लाइक अ पर्सनल प्रॉपर्टी, जैसे आपकी कार है
आप अपनी कार के लिए बहुत कम टैक्स पे करोगे एज कम्पेयर टू लैंड, तो वही सेम चीज यहाँ पे हो रही है। और दूसरी खासियत, ये घर आप उठा के कहीं भी मूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पड़ोसी तंग कर रहे हैं हो सकता है ना, इंडिया में तो होता रहता है, आपकी कुकर की सीटी बज रही है, पड़ोसी बोलता है भाई मेरे को नींद नहीं आ रही तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग, आप तंग हो रहे हो, अपना उठाया कंटेनर जहाँ भी आपको अच्छी जगह मिली उस पार्क में जाके लगा दिया। तो ये तो भाई बहुत ही तगड़ा मैं बोलूँगा पॉइंट है और स्मार्ट मूव है ये। नो डाउट कि इस जगह पे रहने से आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो घट जाती है, लेकिन एक डिसएडवांटेज इसका ये है कि भाई इन घरों की कॉस्ट विद टाइम घटती है, डेप्रिशिएट होती है, बढ़ेगी नहीं। जैसे कि आपके नॉर्मल ट्रेडिशनल होम रहते हैं, हर साल उनकी वैल्यू बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि उसमें लैंड भी आपका, घर भी आपका। लेकिन इसमें लैंड लीज पे है, घर आपका है, घर एक तरह की कार हो गई, घर से बाहर निकाली, डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाती है। वैसे ये घर है, एक बारी आपने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना शुरू किया, वैल्यू भी वैसे ही गिरती जाती है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये घर चलते कैसे हैं, जो व्हील्स हैं वो कहाँ पे आप फिट कर सकते हो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाओ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हो नीचे एक्सेल लगे हुए हैं भाई। तो कुछ नहीं करना है अभी, ये घर आई थिंक, मुझे लगता है यहाँ पे इसको छोड़ा गया है, न्यूली बिल्ट है, और जैसे ही ये एक्सेल यहाँ से निकल जाएंगे तो पूरा का पूरा घर जो है यहाँ पे इस लैंड पे बैठ जाएगा। आपको इस लैंड पे करीब करीब $500 महीने का देना रहता है, जिसमें पानी आपको मिलेगा, गार्बेज फैसिलिटी जो है रिसाइकिल के लिए वो मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको खुद पे करना पड़ता है। तो टोटल कॉस्ट मैं बता रहा हूँ, अगर जैसे आपके फॉर एग्जांपल आपका घर है ये $60,000 का आपने घर बना लिया, यहाँ पे लेकर आओ मोबाइल होम पार्क में बिठाओ और टोटल $500 लगता है एक महीने। तो ये है भाई जो मैं सपने में लेता था ना कि भाई घर के नीचे टायर लगे हो तो कैसा मजा आ जाए, आपके सामने पीछे दिखा रहा हूँ, इसके नीचे टायर लगे हुए हैं, जब मन करे जहां मन करे लेके चले जाओ। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये घर लेने के स्मार्ट मूव क्या हैं। अब इसको स्मार्ट मूव मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आपको एक नॉर्मल अपार्टमेंट भी लेना हो ना, एक महीने का रेंट पड़ता है $1,300 प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसमें आपको सिर्फ मैक्सिमम बता रहा हूँ $500 पे करना है, वाटर फैसिलिटी मिल जाएगी, गार्बेज फैसिलिटी मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपका कवर हो जाएगा, तभी इसको मैं स्मार्ट मूव बोलता हूँ। तो अगर आप भी अमेरिका में कभी मोबाइल होम लेने का सोचो तो कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखना। सबसे पहली चीज़ उसकी क्वालिटी, ऐसा नहीं है कि आपने लिया एक स्टॉर्म आया गए भाई दूसरी चीज़, आपको कभी भी अपना मोबाइल पार्क मोबाइल होम
किसी भी मोबाइल होम पार्क में लगाना है तो वहां से आपको एक्सेप्टेंस लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी उठाया और उनकी कम्युनिटी में जाकर लगा दिए, तो वहां से आपको पहले एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा कि भैया ये सब चीज़ें जो है उनको चाहिए, आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। तीसरी चीज़, अगर आप पड़ोसियों से तंग हो ना तो भाई बेस्ट चीज़ है यार कुछ लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उठाया लोड किया ट्रेलर पे, $2,000 से $5,000 का खर्चा आएगा, ठीक है, और आराम से निपट जाएगा भाई, कोई लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये सबसे बेस्ट लगा मेरे। तो भाई ये थी आज मोबाइल होम के ऊपर वीडियो, चाहे आप कंटेनर हाउस बोल लो, चाहे आप ट्रेलर हाउस बोल लो, ठीक है ना। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, तो लाइक ज़रूर करना यार, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, थोड़ा सा मोटिवेशन सा मिल जाता है अगर आप लोग जब सब्सक्राइब करते ना भाई, कुछ और दिखाते हैं नया अमेरिका से रिलेटेड। तो मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन चको फटे।